हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई तरह की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अचानक से कुछ मीठा खाने का मन होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि फटाफट से क्या बनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आसान और झटपट बनने वाले बेसन और सूजी के लड्डू, वो भी एकदम हलवाई जैसे दानेदार और मन भुलने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सूजी बेसन के लड्डू बनाने के लिए इस कप से 1.5 कप सूजी ले रही हूँ, लगभग 200 ग्राम के आसपास सेम क्वांटिटी में ले रही हूँ बेसन। अगर मेजरमेंट कप नहीं है तभी भी आप एक कटोरी से सेम क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब आटे के बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच घी। अब घी को पूरे आटे में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो अब तैयार हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, किसी भी शेप या साइज में आप बना सकते हैं, मैंने तो ऐसे बनाए हैं। हमने सारे बना लिए हैं। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है और इनको हम रोस्ट कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा घी ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी इसे ऐड कर सकते हैं, पर इस तरीके से करेंगे ना तो लड्डू खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे। इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होते ही निकाल लेना है। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ जो कि गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और सारे लड्डू फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे लड्डू एक साइड से पकने लगेंगे इनको हम टर्न भी करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सारे हमने तेल में तल लिए हैं, अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसी पैन में हम चाशनी भी बना लेंगे। अब उसी कप से मैं ले रही हूँ 1.5 कप चीनी और सेम कप से आधे से भी ज्यादा पानी, यानी 3/4 हिस्सा ले रही हूँ मैं पानी। गैस को फुल पे सेट कर लेंगे। हमें 1 से 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को मेल्ट करना है। ये देखिए चाशनी तैयार हो चुकी है, लड्डू भी अब ठंडे हो गए हैं। अब सारे लड्डू हमने इसी तरीके से ब्रेक कर लेना है और इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, पाउडर तैयार है। अब ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा पिस्ते भी ऐड कर लेंगे। अब सबको एक बार में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे गुनगुनी चाशनी जो कि हमें थोड़ा थोड़ा करके डालनी है, एक साथ इसे बिल्कुल नहीं डालना है। धीरे धीरे सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इसमें सूजी ऐड करने से ये देख सकते हैं आप, एकदम दानेदार लग रहे हैं ना। अब दोस्तों इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहला हेल्दी लड्डू लग रहा है ना, एकदम दानेदार सा। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मैंने वीडियो के लास्ट में ऐड कर दी है, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। जितने ये सुंदर दिख रहे हैं ना, उतने ये खाने में भी मजेदार हो रहे हैं। ये देखिए दानेदार सूजी और बेसन के लाजवाब लड्डू। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।